أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار तुझको उन काफिरों का शहरों में चलना फिरना मुगारके में न डाल दे, चंद रोज़ा बहार है फिर उनका ठिकाना दोज़क होगा और वो बुरी ही आरामगाह है, लेकिन जो लोग खुदा से डरे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी होगी अल्लाह की तरफ से और जो चीज़ें खुदा के पास हैं वो नेक बंदों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू की 196, 197, 198 तीन आयात आपके सामने पढ़ी गई हैं। उन तीन आयात में से पहली दो आयतों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तसल्ली के लिए और काफिरों के अंजाम बद को बयान किया है। असल में 196 और 197 नंबर की जो आयात हैं उन दोनों आयतों में कुफ्फार मुसलमानों को ताना देते थे। मालूम है आपको मुसलमान शुरू में बड़े ही गरीब थे, तंग दस्त फुकरा और मसाकीन थे और काफिर लोग बहारों में दौलत की रेल फेर में ज़िंदगी गुजारते थे। उसकी वजह ये थी कि काफिर लोग साल में दो मरतबा तजारती सफ़र करते थे, एक शाम का एक यमन का। उनकी ज़िंदगी का और उनके कारोबार का पूरा दारोमदार तजारत पर था। खेती बाड़ी मक्के में नहीं होती थी, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था, पथरीली ज़मीन थी। वो लोग शाम का और यमन का सफ़र करते थे और उनके पास दौलत की रेल फेर होती थी और मुसलमान बेचारे जो थोड़े लोग थे उसमें कुछ मालदार भी थे, जैसा कि हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक और बाद सहाबा मुसलमान जो थे वो थे पैसे वाले, लेकिन अक्सरियत उनमें से गरीबों की थी। उसकी वजह यह कि ज़्यादातर मुसलमान ग़ुलामी की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे थे और जाहिर बात है जब गुलाम आदमी होगा किसी का पाबंद होगा, तो ये काफिर लोग मुसलमानों को ताना देते थे। कह रहे तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, देखो हमारी ज़िंदगी, न हराम की तमीज़ न हलाल की तमीज़, देखो कितनी दौलत है, ऐशो आराम के सामान है और तुम लोग देखो अपनी मुफलिसी को देखो, तंगदस्ती को देखो, गुरबत को देखो, न खाने का तुम्हारे पास इंतज़ाम है, न रहने का इंतज़ाम है, न तो रहने का ठिकाना है, न तुम्हारे बदन पर अच्छे कपड़े हैं, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास। हमारे पास देखो ऐशो आराम के कितने सामान हैं और कैसी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ुबिल्लाह तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। रातों को रोना, रातों को उठना, नमाज की पाबंदी करना, साल में रोज़े रखना, इसी तरीके से ज़कात देना, नऊज़ुबिल्लाह तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पागल बना रखा है, तुम्हारे ऊपर जादू कर रखा है, इस तरीके से ताना देते थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली दी और ये फरमाया कि देखो ए मुसलमानों, ए अहले ईमान, तुम लोगों का उनकी दौलत की रेल पेल और दौलत की कसरत तुमको मुगारके में न डाले। ये तो चंद दिनों की बहार है, उसके बाद जब ये मरेंगे तो मरने के बाद तो फिर इनको जहन्नम के अंदर ही जाना पड़ेगा और ये जहन्नम इनके लिए दायमी ठिकाना होगा और ये जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। दुनिया की ज़िंदगी क्या थोड़े दिनों की ज़िंदगी है? दुनिया की ज़िंदगी चाहे आराम में गुजरे चाहे तकलीफ में गुजरे, दुनिया की ज़िंदगी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी धूप और छाँव की तरह है। अभी दुनिया के अंदर आराम में है, ऐश के अंदर है, थोड़े दिनों बाद देखिए उसकी हालत बुरी हो जाती। दुनिया की ज़िंदगी चाहे आराम में गुजरे चाहे तकलीफ में गुजरे, दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाएगी। असल में हकीकत में तो आखिरत की ज़िंदगी है। जिसको आखिरत में अल्लाह की रज़ा मिल गई, जन्नत उसका ठिकाना बन गया, तो फिर वो असल में कामयाब है। और दुनिया के अंदर चाहे कैसे भी आदमी रहे, चुनांचे मुझको अभी एक हदीस याद आई, बड़ी ही मज़ेदार हदीस है। क़यामत के दिन आदमी दो आदमियों को अल्लाह ताला जमा फरमाएंगे, ये तो सारे लोगों को जमा फरमाएंगे लेकिन दो आदमियों को ख़ास तौर पर बुलाएंगे। उनमें से एक आदमी तो ऐसा होगा जिसने कभी दुनिया के अंदर किसी तकलीफ का मुँह ही नहीं देखा होगा। कहते ना कि दुनिया में फला बच्चा फला आदमी मुँह में सोने का चमचा लेकर के पैदा हुआ, इसका क्या मतलब होता, कहावत है यहाँ की,
कि सोने का चमचा देकर के पैर, यानी कभी तकलीफ उसको हुई ही नहीं, हमेशा ऐशो आराम दे रहा, कभी उसने तकलीफ का सामना नहीं किया, हमेशा उसको ऐशो आराम ही रहा, दुनिया की जिंदगी के लुत्फ इनामात रहे, कभी उसने तकलीफ का सामना नहीं किया। उसको बुलाएंगे और बुला करके फरिश्ते से कहेंगे, इस आदमी को जहन्नम के 500 साल की मसाफत की दूरी पर एक मर्तबा चक्कर लगवा करके लाओ। 500 साल की मसाफत की दूरी पर रखना, करीब नहीं ले जाना ज्यादा। उसके बाद उसको फरिश्ता दे करके चक्कर लगा के लाएगा। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि क्या दुनिया में तुमने कभी कोई ऐशो आराम देखा, तुमने कभी कोई आराम देखा, राहत देखी, तुमको दुनिया के अंदर कुछ आराम मिला? वो आदमी कहेगा, या अल्लाह, दुनिया में तो मैंने कभी कोई ऐशो आराम का मुंह ही नहीं देखा, हमेशा दुनिया के अंदर मैं तकलीफ में ही रहा। सिर्फ एक मर्तबा चक्कर लगाना, 500 साल की मसाफत की दूरी से जब उसको एक मर्तबा चक्कर लगवाया, अल्लाह ताला जब फरिश्तों लगवाएंगे तो वो दुनिया के सारे ऐशो आराम को फरामोश कर देगा, भूल जाएगा। दुनिया में हम कभी ऐशो आराम का हमने मुंह देखा ही नहीं, हमेशा हम तकलीफ में रहे। उसके बाद एक ऐसे आदमी को अल्लाह बुलाएंगे जिसने दुनिया में कभी किसी ऐशो आराम का मुंह ही नहीं देखा, पैदा हुआ तो पैदा होने से लेकर मरने तक हमेशा वो बेचारा तकलीफ में रहा, और इतनी तकलीफ में रहा दुनिया में कभी दूसरे लोगों को इतनी तकलीफ नहीं पहुंची होगी। पहले आदमी को तो ऐशो आराम मिला, दूसरे आदमी को तकलीफ ही तकलीफ मिली होगी। उसको बनाएंगे अल्लाह ताला और बना करके फरिश्ते फरमाएंगे, इसको जन्नत के करीब ले जा करके जरा सैर व तफरीह करा करके लाओ। जब वो आदमी जन्नत के करीब जाएगा, सैर व तफरीह करेगा, और फरिश्ते उसको इधर उधर जरा चक्कर लगवाएंगे और दूर से जन्नत के हालात को, मनाजिर को देखेगा। और आपको मालूम है जन्नत ऐसी जगह होगी, अंदर के लोग जैसा कि ऐसा एयर कंडीशन बनता है, बाहर के लोग अंदर के हालात को देख के, अंदर के लोग बाहर के हालात को देखेंगे, जन्नत का ऐसा होगा, ऐसी खिड़कियां होंगी, ऐसे मकानात होंगे। ये आदमी जन्नत के थोड़े मनाजिर देखेगा, वहां के रुतफ इनामात का मुशाहिदा करेगा, बस अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेंगे उनको लेकर के आओ। चुनाचे वो फरिश्ता लेकर के आएगा, अल्लाह फरमाएंगे उनसे पूछेंगे, तुमने कभी दुनिया में कोई तकलीफ देखी क्या? वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, मैंने तो दुनिया में कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं, हमेशा ऐशो आराम दे रहा। जन्नत की सैर व तफरीह थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए उसने की होगी, और दुनिया के सारे तकालीफ, शदाइद को, मसाइब को, मुश्किलात को, परेशानियों को भूल जाएगा। पहला आदमी दुनिया का ऐशो आराम में जिंदगी गुजार करके जाएगा, जहन्नम की थोड़ी देर की जो है उसकी थोड़ी देर उसके करीब में गुजरेगा, दुनिया का ऐशो आराम उसके जहनो दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन ये मोमिन बंदा जिसने दुनिया में कभी कोई ऐशो आराम का देखा ही नहीं होगा, उसने मुंह ही नहीं देखा होगा, हमेशा तकलीफों में, मुश्किलात में, परेशानियों में वो इंसान जिया होगा, लेकिन जन्नत की थोड़ी देर की सैर व तफरी उसकी सारी तकालीफ को भुलाने के लिए काफी होगी। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे मोमिन बंदों से, के मोमिन बंदो, तुमको इन काफिरों की ऐशो आराम की चीजें और उनके जो है उनके दौलत की रेल फेर और ऐशो आराम की बहारें तुमको मुखारते में न डाले। कहेंगे तुम मुखारते में चल जा रहे, ये देखो ये काफिर होकर के भी ये लोग इतने आराम में हैं, इतने जो आयश में है, जैसा आदमी मुसलमान, बहुत सारे लोग मुसलमान कहते हैं, ये क्या है मौलाना, इतनी जो है हम लोग ईमान लाए, हम लोग नमाज पढ़ते, रोजा रखते, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करते, इसके बावजूद देखो मुसलमान परेशानी में है और ये काफिर लोग खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, खुदा की नाराजगी वाले अमाल कर रहे हैं, हलाल हराम का कोई इम्तियाज नहीं, फिर भी ये लोग ऐशो आराम में है। वो तो ऐशो आराम अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश के लिए दुनिया के अंदर दिया है, और मुसलमानों को अगर तकलीफ दी है तो उनको भी आजमाइश के लिए दिया है। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, वजन्नतुल काफिर, और काफिरों के लिए जन्नत है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है, कैद खाने में जाकर के कोई अगर ऐशो आराम के सामान तलब करे, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, मुझको ये चाहिए, तो वहाँ के जो हुकाम है, वहाँ के जो अफसरान है, वहाँ के डंडे मार करके कहेंगे ये कैद खाना है, ये घर नहीं होता। इसी तरीके से मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, या मुश्किलात में और जो है तकलीफों में, परेशानियों में, किसी भी सूरत में दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, और आखिरत की जिंदगी असल में अहम है।
वही देख रहे हैं कि हमको आखिरत वाले अमल हम कर रहे नहीं कर रहे। और जो 198 नंबर की आयत पढ़ी गई उसके अंदर उन्हीं मोमिनीन के लिए और मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला खुशखबरी सुना रहे, बशारत सुना रहे, जो आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारेगा और बच बच कर डर डर कर एहतियात के साथ जिंदगी गुजारेगा, हलाल और हराम के अंदर तमीज करके जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह क्या फरमा रहे, उसका ठिकाना जन्नत है और जन्नत के नीचे नहरें होंगी। कल मैंने जिक्र किया था, दूध की नहर होगी, शहद की नहर होगी, पानी की नहर होगी, शराब की नहर होगी, शराबन तहूरा। दुनिया की शराब का क्या हाल होता, जब दुनिया की शराब आदमी पीता बक बक झकझक करता, नालियों में गिर जाता, सड़कों पर गिर जाता और हद जो जुर्म और ज्यादती करने लगता, उसको कोई हक और बातिल के दरमियान कुछ फर्क ही महसूस नहीं होता। लेकिन जब शराब जन्नत की शराब, जन्नत की नहर की शराब जब पिएगा तो आदमी के जहनों दिमाग के अंदर कोई खराबी नहीं आएगी, बक बक झकझक नहीं करेगा, कोई गाली गुलौज नहीं करेगा, बल्कि उसके दिमाग के अंदर एक किस्म का सुरूर और लुत्फ आएगा। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं 198 नंबर की आयत के आखिर में, कि अल्लाह की तरफ से ये मेहमानी होगी, अल्लाह मेजबान होंगे और मोमिन और मुत्तकीन और मोमिनीन ये क्या होंगे, ये मेहमान होंगे। इससे बड़ी दौलत मुसलमानों को क्या मिलेगी बताइए। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह की यहाँ उसकी मेहमान नवाजी होगी, अल्लाह मेजबान होंगे और मोमिन बंदे मुत्तकीन बंदे ये क्या होंगे, ये जो है अल्लाह के मेहमान होंगे। तो हम लोगों को भी ये कोशिश करनी चाहिए, दुनिया की जिंदगी में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, ये सारी चीज़ें आजमाइश के लिए हैं। काफिरों की दौलत को देखकर, उनके ऐशो आराम को देखकर हम किसी मगारसे में ना पड़ें। दुनिया में तकलीफ भी होगी, परेशानी भी होगी और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, आजमाइश भी होगी। हर किस्म की आजमाइशों का सामना करने के लिए मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। थोड़े दिनों की जिंदगी, 60 साल 70 साल की जिंदगी होगी, 400-500 साल की जिंदगी नहीं होगी। पहले जमाने के लोग जीते थे 1000-1000 साल, 800 साल 700 साल, लेकिन आज तो 70 साल 80 साल 100 साल में ही आदमी कब्र के करीब चला जाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को आखिरत की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल करके या अल्लाह अपनी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाइए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाह व बिहमदिक, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।